अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस, आज के दौर में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन आइडिया। तो गाइस, आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप फ्री सेट कंपनी लोगो डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी मैं बहुत ईजी मैथड के साथ। तो गाइस, आपके जो फेवरेट कलर हैं आप उनको पहले ग्रेड कर लीजिए, उसके बाद उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे पास कुछ ग्रेडियन कलर हैं, तो इनको जो है मैं यूज़ करूँगा। और ये मेरे पास थ्री जो है, ये मेरे पास गोल्डन कलर है, और ऊपर मेरे पास दूसरे जो है वो ग्रेडियन कलर है। तो आपकी जो फेवरेट कलर है आप उनको क्रिएट कर लीजिए, बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो आज आप लोग को बताऊंगा कि आप फ्री सेट लोगो डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। सो गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आपको थ्री लोगो जो है वो आज क्रिएट करके एक ही वीडियो में बताऊँगा कि आज की वीडियो में आप लोग को थ्री लोगो जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा, कि फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन का जो है वो आप लोग को आइडिया दूंगा, और आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो गाइस, आप कर वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वन जो पहले लोगो जो है पहले क्रिएट करता हूँ, वो है मैं यहाँ पर रिएक्टर एंगल टू दूंगा, और इसकी मदद से यहाँ पर जो है वो मैं क्रिएट कर दूंगा, इस तरह कुछ क्रिएट कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं क्रिएट करने के बाद यहाँ पे गाइज एक और डुप्लीकेट इसकी करूँगा। ये फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन है गाइज। ओके, ये आप लोग अपने माइंड में चीज़ रखिएगा कि ये कोई नाम वगैरह नहीं है, ये फ्री सेट जो है वो क्रिएट करूँगा। सो गाइज, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी है। तो गाइस, अब इसको जो है वो हम लोग करेंगे डुप्लीकेट ऐसे करेंगे, और इसका जो है इसको रोटेट कर देंगे, या रोटेट करेंगे या रिफ्लेक्ट में जाके इसको चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने इसको चेंज कर लिया। तो इसको हम लोग जो है वो इसको कॉपी मैंने कर लिया, सॉरी इसको कॉपी नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोग को नजर आए। तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफार्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे जस्ट इसको चेंज कर लेंगे और कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमने क्रिएट कर ली है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इस पर आपने ऊपर वाले पे और ज़ीरो एंगल पे करके इसको ओके कर देना है। तो आपका यहाँ पर जो है वो लोगो जो है वो क्रिएट हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि ये लोगो कैसे है, तो ये फ्री सेट ऑफ इसको आप बोल सकती हैं। ओके गाइस, अब इसको आप रोटेट कर दें, कुछ इस तरह रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्री सेट जो है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखें, अगर इसको मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी शेप जो है वो ख़राब है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे बॉक्स, और इसका साइज़ जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, या ऐसे करेंगे कि हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो क्रिएट करते हैं। पहले सबसे ये मैंने आज इंचेस में कर लिया, पिक्सल में लगाता हूँ ऑलवेज, और आज जो है वो मैंने लगा दिया इंचेस में। चले कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 2.2। ओके, अब 2.2 में हमने इसको जो है वो सेट करना है, या इसको थोड़ा सा यहाँ पे 2.2 भी कर ले, कोई मसला नहीं है, बट यहाँ पे इसको आउटलाइन रहने देंगे यहाँ पे, और इसको जो है वो मैं यहाँ पे 2.2 कर इसके बीच। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, जब इसमें मैं इसको करूँगा ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हो जाएगा कि हर साइड से। आप इसको ग्रुप कर लेना आपने, और इसको पहले अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे हम लोग, आप इसको आपने सेट कर लेना से। जब ऐसे हम लोगों को क्रिएट करेंगे ना,
ये हर साइड से जो है वो एक इसकी शेप रेडी हो जाएगी। यहाँ पे बाहर चला गया थोड़ा सा। ओके दैट्स गुड। अब इसको हम कर देंगे डिलीट और अब इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे छोटा करके इसको रोटेट कर देंगे। ओके ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गया। अब गाइस इसमें मैं गोल्डन कलर जो है वो करूँगा और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा। अभी सिंपल है, इसमें हम देखते हैं कौन सा करें, बाद में इसका जो है वो इसको ब्लैक बैकग्राउंड लगाएंगे ना जब, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा हमें। तो यहाँ पे ये मेरा एक लोगो जो है वो रेडी हो चुका है फ्री सेट। अभी ब्लैक पे ये ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा हमें। तो हम चलते हैं दूसरे लोगों की तरफ और दूसरे लोगों हम कैसे क्रिएट करेंगे वो आप लोगों को बताता हूँ। हम यहाँ पे रिएक्ट एंगल टूल लेंगे और इसको यहाँ पे जो है वो एक जैसा बॉक्स जो है वो रेडी कर लेंगे और इसका कलर ऑफ करके इसकी आउटलाइन को हम बढ़ा देंगे। या आउटलाइन को इसको बढ़ाएंगे या ऐसे करेंगे कि इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि ब्लैक कलर को फिल करता हूँ और यहाँ पे जो है वो इसकी डुप्लीकेट करूँगा इसी प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू को कम कर देंगे जैसे कि ये वैल्यू। ओके अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम बीच वाले को डिलीट कर देंगे। ओके और हमारे पास ये वाला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक या तो लाइन करूँगा या रेक्टर एंगल टूल को जो है वो यूज़ करूँगा और इसको यूज़ कैसे करूँगा कि इसको मैं रोटेट करूँगा यहाँ पे। बहुत इजी मेथड के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है गाइस। इसको आपने सेट कर लेना है यहाँ पे। ओके आप देख लीजिएगा जहाँ पे ये परफेक्ट आपको लगे आप वहाँ पे इसको कर लीजिएगा। इसका कलर आप चेंज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं सोचा आज आप लोगों को फ्री सेट जो है वो क्रिएट करके दिखा देते हैं कि आपने कहना कि हमें दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा आपने सिखा लिया बट आपने हमें रोटी ये वाले लोगों ने सिखाए, सो आज इसलिए इस वीडियो को क्रिएट कर। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे। ओके ऐसे आपने इसको रिमूव कर लेना। ओके डैश आउटलाइन को आपने ऑफ कर देना यहाँ पे। तो ये मेरा टू जो है वो क्रिएट हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे मैं इसमें भी कर लेता हूँ कलर ये वाला, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये ज़बरदस्त है। ओके ये मेरे पास टू हो गया। अब हमारा थ्री रह गया, तो थ्री को हम क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्टर एंगल टूल की मदद से आज आपको सारे जो है वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिएक्टर एंगल टूल जो है वो उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसकी मदद से। इसमें ब्लैक कलर को अभी फिल कर लेता हूँ। अब गाइस क्या करूँगा, ये थ्री जो मेरे पास लोगो है इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसकी मदद से इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करने के बाद गाइस अब मैं यहाँ पे जो है इसको रोटेट कर दूँगा 90 के एंगल या 315। ओके और यहाँ पे गोल कर्सर लूँगा और इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे और इसमें वाइट कलर को फिल कर। ओके इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पे करूँगा और एक मिनट यहाँ पे करते हैं ऐसे। इसके कलर को चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके इनको जो है वो सॉरी अब एक और डुप्लीकेट इसकी करेंगे और इसको अब करेंगे ग्रुप और इसको करेंगे अलाइनमेंट कुछ इस तरह आपने इसको क्रिएट कर। ओके इसकी थोड़ा सा पास आगे ज़्यादा। अब इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब इसमें हम करेंगे पहले तो कलर फिल इसमें गोल्डन।
अभी ये मैं बैकग्राउंड जब इस पे जो है वो क्रिएट करूँगा ना बैक पे, तो ये आप लोग को समझ आएगा कि मैंने क्या क्रिएट किया है, तब ये ज़्यादा खूबसूरत आपको लोग आप लोग को नज़र आएगा। अब यहाँ पे गाइस क्या करना है कि यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है, ये देखिए। अब इसको सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ पे पाथफाइंडर पे चले जाना, आपने कुछ इस तरह इसको क्रिएट कर लेना है। यहाँ वाइट आ जाएगा इस पर, ठीक है, तो बाद में जब वाइट आएगा तो आप लोग, अब मेरे पास थ्री जो है वो लोगो जो है क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपनी नेम, इस तरह के आप बहुत सारे लोगो जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को हर तरह का लोगो जो है वो क्रिएट करके दिखाऊं, क्योंकि लोगो मेकर बनना और ऐसा लोगो मेकर बनना चाहिए कि आप लोगों को हर तरह का लोगो जो है वो क्रिएट करना आना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को जो है वो बनाना था। अब यहाँ पे तो ये आ गया, अब इसकी करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं टैगलाइन अब इसको जो है भाई ये बोल्ड है तो इसको बोल्ड नहीं करेंगे हम लोग, इसको बोल्ड नहीं, इसको कोई सिंपल सा लगाएंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा कम करके और यहाँ पे इसको जो है वो इसकी स्पेस को हम बढ़ा दें, ओके ऐसे ही आप निकालें। अब इनको सेलेक्ट करके आपने क्या करना है कि यहाँ पे इनको अलाइनमेंट करेंगे, इनको कर लेते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं दोनों। अब चेंज तो हमने फोन करना नहीं, सो अब इसको अलाइनमेंट कर देंगे यहाँ पे, ओके गाइस। अब इसको हम कोई भी कलर दे देंगे, इसमें गोल्डन ही आपने देना है क्योंकि जो आपका लोगो है वो गोल्डन कलर के। अब हम लोग बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे और ब्लैक इसमें हम इसमें यूज़ करेंगे, सेंटो अगर डार्क ब्लैक लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नजर आएगा, तो इसको डार्क ब्लैक आप निकाल लेना, 100 100 कर लीजिएगा और आप सेंड टू बैक कर दें। तो गाइस अब आप लोग को समझ आएगी कि लोगो आपको किस तरह का लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। ये था हमारा वन और ये था टू और ये था हमारा थ्री लोगो। एक ही वीडियो में आप लोगों को थ्री जो है वो क्रिएट करके दिखा दिए। अब यहाँ पे आप क्या करें कि यहाँ पे कंपनी नेम लिख लें यहाँ पे और यहाँ, अब आप लोग को पता चलेगा कि ये फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन जो आइडिया था ये किस तरह मैंने क्रिएट किया और इसमें कौन से कलर जो है मैंने फिल किए। अगर गाइस आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने किया आप उसी तरह इसको कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैं आप लोग को यही मशवरा दूंगा और आप लोग को यही आइडिया दूंगा कि आप इसमें गोल्डन कलर ही रहने दीजिएगा और नीचे आप अपनी कंपनी का नाम अपना टैग लाइन जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और आई एम सो हैप्पी कि आज आप लोगों को मैंने ये फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन जो है वो आइडिया दे दिया कि आप इसकी मदद से रिएक्ट एंगल की टूल की मदद से गोल कर्सल की मदद से जो है वो अपनी कंपनी का लोगो जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। देखिए गाइस
इसमें मैंने कोई लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया, क्या मैंने इसमें रिएक्टर एंगल टूल को यूज़ किया और गोल कर्सर को मैंने यूज़ किया है, तो उसकी मदद से कितने ज़बरदस्त जो है गोल्डन कलर के मैंने जो है वो लोगों आप लोगों को क्रिएट करना जो है वो सिखा दिए। और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है वो आप लोग के इस तरह के जो है वो फ्री सेट ऑफ कंपनी लोगो डिज़ाइन जो है वो आप लोग के लिए लेके आऊँगा और आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप इनको कैसे क्रिएट करेंगे। आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।